हाँ भाई, क्या हाल है भैया? गंजी स्वैग लाइव फ्रॉम बगदाद। बड़ा मजा आया आज मैच देख के। हाँ भाई, इंडिया वनडे मातरम से रंदे मातरम और फिर डंडे मातरम। भैया, एक होता है मैच हराना और एक होता है जलील करके हराना, यानी आउट क्लास कर दिया हर चीज़ में। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जो ले आओ भाई, चित कर दिया चारों शाने। मज़ा आ गया यार। आज मैच देख नहीं सका मैं क्योंकि इंटरनेट की थोड़ी कमी है इराक में, लेकिन ये कि भाई टाइम और टाइम खबरें मिल रही थी। बहुत बहुत खुशी हुई, पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। देखे भाई, राउंड मैच में जब इंडिया से हारा था तो मैंने बात की थी फैक्ट और इमोशन वाली, कि फैक्ट था कि इंडिया नंबर वन है, इमोशन था कि पाकिस्तान जीते। लेकिन भैया, फैक्ट ये भी है कि पाकिस्तानी टीम अनप्रेडिक्टेबल है, जब दिल करे गेम उठा देती, और आज ऐसा गेम घुमाया है कि भाई पूरे इंडिया का सर घूम गया, मज़ा आ गया। मोदी, ओहो। खैर भाई, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 92 में भी जो है हम अंडरडॉग से सबसे नीचे थे, 92 में रमज़ान था और 92 में भी मियां साहब केस भुगत रहे थे, आज भी भुगत रहे। वाह वाह, माशाल्लाह, सम थिंग्स नेवर चेंज। और भैया, हम मेरी नज़र में तो मैन ऑफ द मैच वहाब रियाज और अहमद शहजाद को देना चाहिए, जो आज खेले नहीं, जिनकी वजह से हम जीत गए। तो उनके लिए उम्रे के दो दो टिकट गंजी स्वैग की तरफ से, बहुत बहुत मुबारक हो उनको। खैर भैया, बहुत बहुत मुबारक पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी टीम को, खासतौर पर सरफराज भाई को। उन्होंने प्रूव किया भाई, आमिर सोहेल कुछ भी बोलता रहे भाई। आमिर सोहेल भैया, आप शर्ट के बटन देख के लाया करो, बाल वाल ना फंस जाए आपके, ठीक है ना? तो ज़्यादा बातें बातें नहीं है, मोराल नहीं डाउन करो यार, लड़कों का ऊपर करना है यार। आज देखो कैसा गेम, 22 लोगों ने सबने ज़बरदस्त सेट किया है, मज़ा आ गया यार, बहुत खुशी हुई मुझे। और भाई, वो ऋषि कपूर साहब, हाँ भाई, क्या हाल है भैया? बड़ी ट्वीट कर रहे हो, फिल्म नहीं मिल रही है आपकी, हम बड़ी इज्जत करते हैं, बेबू की वजह से कुछ कहते नहीं है, तो आप चढ़ते ही चले जा रहे हो भैया। गुरूर का सर नीचा, अम्मा ने हमें बचपन से सुनाया है, आपको पता नहीं सुनाया कि नहीं सुनाया। खैर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, 1973 में ऋषि कपूर साहब की फिल्म आई थी बॉबी, उसमें एक गाना था, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। वो गाना आज के लिए था क्योंकि मैच के बाद ऋषि कपूर और सहवाग ऐसे कमरे में बंद हुए, चाबी घुमा के, नज़र ही नहीं आ रहे, गायब हो गए, खल्ली वल्ली, जलील करा दिया अपने आप को भी और इंडिया को भी। भैया, बड़े बोल नहीं बोला करो यार, अल्लाह को, भगवान को, वट एवर यू बिलीव इन, किसी खुदा को जो है गुरूर नहीं पसंद, ठीक है ना? हम्बल रहे, ज़मीन पे बैठे, ताकि ज़मीन पे गिरने से जो है ना, गिरने का डर नहीं होता, बंदा पहले ही ज़मीन पर होता है। तो भाई, थोड़ा नीचे आ जाए, बड़ी ऊपर की फ़्लाइट ले लिए, ठीक है? मार्स पे जा रहे हैं आपके रॉकेट, आप तो नहीं जा रहे ना, आप तो नीचे रहो भाई, हल्के आ जाओ, ठीक है ना? हम भी कम नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं पाकिस्तान में भाई, ये यहाँ से स्विंग मारते और वहाँ से आउट। तो भाई, ठीक है ना, बड़ा मज़ा आया मैच देख के, बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे पाकिस्तान को, पूरी पाकिस्तान की टीम को, और हम सबकी दुआएं। देखे, जब मैच हारती है टीम तो यार इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, लोग जो है ना मीम्स बनाते हैं, गालम गलोच करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, बट एट दी एंड ऑफ द डे आप ही जो प्लेयर्स हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। हमने कल क्या बांग्लादेश के लिए आवाज़ें थोड़ी लगानी है, अफगानिस्तान के लिए थोड़ी, पाकिस्तान के लिए करनी है। असल में हमें इतनी खुशियाँ मिलती नहीं है पाकिस्तान में, तो क्रिकेट से ही हम उम्मीदें लगाते ज़्यादातर, कि चलो यहीं से थोड़ी बहुत खुशी मिल जाए, थोड़ा लड़के डांस वांस कर ले, साइलेंसर निकाल ले बाइक के सीवी पे, थोड़ा है जज्बा जुनून हो जाए। वरना पाकिस्तान में अमूमन खुशी क्या होती है, लाइट आ गई, पानी की मोटर भर गई, टैंकी भर गई, भाई यही हो रहा होता है। तो यार, तो ज़रा आप दिल पे ना लिया करें, अगर लोग जो है गुस्से में कुछ बात बात कर जाए, मुझे बड़ा फील होता है। लेकिन ये कि कीप अप द हाई होप्स और इंशाल्लाह स्पिरिट अपने ऊपर रखें, हम सब आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली ईद गिफ्ट, ईद से पहले ईद का गिफ्ट दिया भाई टीम ने, बहुत खुशी हुई। आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं और अपना ख्याल रखिएगा। चले भाई, बड़ी कैसेट चल गई है, बगदाद में हालात ठीक नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ कमरे में, कहीं फटफड़ा ना जाऊँ। ओके जी, खुदा हाफिज़।